बेमेतरा जिले के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों व सभी शासकीय स्कूल में जाकर पहली से बारहवीं तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच करने का काम जारी है, जिसके अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला चमारी में 73 बच्चों का चिरायु टीम ए नवागढ़ के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। चिरायु टीम के डॉक्टर दीप्ति पटेल ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य जाँच कर 30 प्रकार के बीमारी का उपचार किया जाता है। उन बच्चों का उपचार कराने का काम भी चिरायु संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जिसके दौरान हृदय रोगी में 24 बच्चों का ऑपरेशन कराया जा चुका है। 4 बच्चों का दस्तावेज भेजा गया है। वहीं मोतियाबिंद जन्मजात अंधापन के 3 बच्चों का ऑपरेशन हुआ। 2 अन्य बीमारी वाले बच्चों का ऑपरेशन किया जा चुका है। शारीरिक परेशानी से ग्रसित बच्चों का भी इलाज कराने के लिए भेजते हैं, साथ ही छोटे समस्याओं का तुरंत दवा देकर इलाज किया जाता है। इन सभी उपचार के लिए किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। टीम में डॉक्टर दीप्ति पटेल, डॉक्टर अनंत मधुकर, तरुण सोनी, तारेश्वरी जोगवंशी शामिल हैं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट पर हूँ। हम लोग चिरायु के जितने आंगनबाड़ी से लेकर के बारहवीं क्लास तक के जितने बच्चे हैं उनका चेकअप करते हैं। जिनको जरूरत पड़ती है उनको बाहर रेफर करते हैं, और जिनको आवश्यकता है अगर सर्दी बुखार जनरल कुछ अगर परेशानी है उनको ही मेडिसिन देते हैं। अच्छा, किन किन बीमारियों का इलाज के लिए बाहर भेजते हैं, और अभी के स्थिति में आपके जानकारी में कितने जने का इलाज हो चुका है? अभी तक हार्ट वाले जितने बच्चे हैं उसमें 24 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है, हमारे द्वारा करवाया गया है। उसमें कुछ बच्चे रामकृष्ण भेजे, कुछ को बालाजी, कुछ अपोलो बिलासपुर में हुआ है, और जन्मजात मोतियाबिंद जो है 3 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है MGM हॉस्पिटल रायपुर में, और 2 बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, उनका ऑपरेशन रामकृष्ण में हुआ है, 1 का बाल गोपाल में हुआ है। एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से एनेमिक था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खून की कमी थी, उसको हमने कहा हमें हुआ है इलाज, और 4-5 बच्चों का भी ऑन प्रोसेस में हार्ट वाले बच्चों का। अच्छा, अब ऐसे कितने बच्चे का जांच किए हैं जिनके जो अभी तक से इलाज नहीं करवा पाए हैं? अभी ऐसे में लगभग बहुत सारे बच्चे होंगे, पर उसमें क्या है कुछ जैसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स का वो एग्री नहीं होते हैं कि हमें इनका इलाज करवाना है। कई बार उनको ये समझाते हैं तो वो एग्री होते नहीं है। इलाज के दौरान जैसे चिरायु के अंतर्गत हो रहा है तो इसमें प्रोसेस क्या रहता है ऑपरेशन वगैरह का? ऑपरेशन जैसे हार्ट के बच्चों का हम लोग कराते हैं तो उसमें पहले इको जांच होता है। इको जांच का पैसा जो है मरीज को द्वारा नहीं दे, मतलब मरीज को नहीं देना पड़ता है, वो चिरायु से होता है। उसके बाद में इको जांच होने के बाद जैसे डॉक्टर जो भी उनको राय देंगे तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें जितने कागज वगैरह लगते हैं वो सब रायपुर जमा होता है, उसके बाद SNS से पैसा अप्रूव होता है। डॉक्टर लोग जो आए थे नवागढ़ चिरायु टीम से आए थे और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कितने में केवल 87 बच्चे दर्ज है, जिसमें 73 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उनको जरूरत के हिसाब से दवाई मेडिसिन वगैरह दिए गए। और ये जो शासन योजना चला रही है बहुत अच्छी योजना है, इसके तहत बच्चों को और पालकों को विशेष लाभ भी मिला। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you never miss any video from my channel.